और पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 71 किलो लड्डू का केक काटा गया। डॉक्टर मृणाल फैंस क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने ये केक काटा है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार 71 किलो का केक काटते ये लोग नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा उत्साह उमंग है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर। हर वर्ष ये जन्मदिन मनाते हैं और इस बार 71 किलो का लड्डू का केक काटकर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज 71वां जन्मदिन है और पूरे देश में, सही आपने कहा, हर्ष और उल्लास से कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं और जनता के साथ मिल के मना रहे हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिवस है और हम लोग हर्षोल्लास से इसको हर एक साल मनाते हैं। इस बार हम लोग 71 किलो का जो एक लड्डू बना करके उसको काट रहे हैं और भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं और पूरा हम लोग हर एक साल की भांति, जैसे पिछली बार हम लोग 70 किलो का लड्डू कटवाए थे, इस बार 71 किलो का लड्डू काट रहे हैं हम लोग। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को लेकर खास तौर पर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और बिहार में आज मेगा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में नीतीश कुमार के टीकाकरण मेगा अभियान की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान में 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये दिन राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सेवा भाव में अर्पित किया जा रहा है, लोगों की सेवा करके। और इस वक्त हमारे संवाददाता इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं, मरगूब आलम। मरगूब, क्या कुछ तैयारियां की गई है, कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचेंगे और इस मेगा अभियान की शुरुआत करेंगे? देखिए, सुबह 11:30 बजे दिन में मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि आज के दिन पूरे बिहार में, पटना के साथ पूरे बिहार में टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा और आज 11:30 बजे वो आएंगे। टीकाकरण का अभियान चल रहा है लगातार और आज सुबह से भी यहाँ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स में चला है, लेकिन मुख्यमंत्री आएंगे, जायजा लेंगे। हम आपको दिखाना चाहें क्या तैयारियाँ हैं। देखिए, आप ऊपर कोविड टीकाकरण महाअभियान कार्यक्रम है, एक तरफ मुख्यमंत्री का फोटो है, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का फोटो है और पूरा कार्यक्रम की तैयारी है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आएंगे, आने के बाद पहले निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं सुबह कि देखिए किस तरीके से यहाँ टीकाकरण अभियान चल रहा है और लोग आ रहे हैं और टीकाकरण अभियान टीका करा करके लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, पूरा दृश्य हम आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, लोग बिल्कुल, यहाँ जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए सुबह बिल्कुल अलग काउंटर है और उस महिला के काउंटर में सिर्फ महिलाएं कह सकते हैं कि ANM डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया है। साथ ही साथ यहां ऑब्जर्वेशन के लिए लोगों को रखा गया है, आधे घंटे तक देखिए लोगों को ऑब्जर्वेशन कर रखा गया है। और यहां देखिए महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था है, टीकाकरण केंद्र है, यहां सिर्फ महिलाएं आएंगी और महिलाओं के लिए यहां डॉक्टर के साथ साथ ANM नर्स वगैरह सारे लोगों को रखा गया है। वहाँ करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ आपके टीका, यहाँ देखिए पुलिसकर्मियों को यहाँ टीका दिया जा रहा है और हम सभी लोगों को निश्चित तौर पर यह होना चाहिए कि टीकाकरण का जो अभियान है वो अभियान में हम लोग शरीक हों और उस अभियान में हम लोग साथ चलें। तो यह अपने आप में बड़ी बात है सुखी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा अभियान चल रहा है ये काबिले तारीफ है और आज का दिन तो विशेष है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जो आज का जन्मदिवस है उस जन्मदिवस पर यह पूरा अभियान निश्चित तौर पर चल रहा है। बात करेंगे, तो कहाँ से आई? राजेंद्र नगर। आज पता था आपको कि यहाँ महाअभियान है? नहीं। क्या व्यवस्था लगा यहाँ? बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था अच्छा है। हाँ। आपका सेकंड डोज? सेकंड डोज।
सेकंड व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। देखिए ये जो व्यवस्था है निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ व्यवस्था है और यहाँ लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है 11:30 बजे दिन में, क्योंकि आज इस अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर की गई है।